हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितीश। आप देख रहे हैं फोर्थ सी यानी कि एजुकेशन फोर्थ सी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। हम लोग कंक्रीट बनाने में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना होता है, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं टू मेक अ गुड कॉन्क्रीट, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्टेप है मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट का, स्टेप कलेक्शन। इसके आप समझोगे, एक टर्म में बताऊं इसका नाम होता है कलेक्शन। आपके साइट पे सो सो मटेरियल है या फिर नहीं है, तब उसे मंगाओगे। तो हमें कंक्रीट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो नंबर वन सीमेंट, नंबर टू सैंड और इसे बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, नंबर थ्री कोर्स एग्रीगेट, नंबर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। ये चार चीज हमें अवेलेबल होना चाहिए एक कंक्रीट बनाने के लिए। पहले हमें इसे क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, बैचिंग करेंगे कि जो भी हमें मटेरियल वो सारे अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल हो गया यानी कि बैचिंग मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि हमने ये सारे मटेरियल को कलेक्ट कर लिए, बट अब प्रॉब्लम यह है कि बैचिंग जो होता है दो टाइप का होता है। नंबर वन, टू टाइप्स ऑफ बैचिंग, टू टाइप्स ऑफ बैचिंग। नंबर वन वेट बैचिंग, नंबर टू वॉल्यूम बैचिंग। तो ये दो टाइप के बैचिंग होते हैं। तो हम लोग किस तरीके का बैचिंग को फॉलो करते हैं अपने साइट पे? दोस्तों जनरली जब भी आप एक बड़े साइट पे काम कर रहे हो या फिर छोटी साइट पे काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा फॉलो आप यही करोगे, वेट बैचिंग, वेट बैचिंग ही फॉलो करोगे। लेकिन कुछ माइनर माइनर से प्रोजेक्ट में, मतलब तो बहुत ही माइनर इंजीनियरिंग वर्क, मतलब छोटे छोटे वर्क में हम लोग वैल्यू बैचिंग भी यूज कर लेते हैं। वो भी अगर आपको इंजीनियर वहां के अलाउ करेंगे, साइट इंजीनियर जो भी है, इंजीनियर इंचार्ज जो भी होते हैं, अगर वो अलाउ करेंगे तभी आप वॉल्यूम बैचिंग यूज करोगे। अदरवाइज आपको सिर्फ वेट बैचिंग ही यूज करना है, यानी कि उसकी वेट के अनुसार। अगर एक एक बैग सीमेंट है तो उसमें कितने होते हैं, 50 kg, तो 50 kg का जो भी है आप जैसे यूज कर रहे हो, मतलब वेट बैचिंग से हमें उसके यूज करना है। माइनर प्रोजेक्ट के लिए हमें वॉल्यूम बैचिंग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, बैचिंग हमने कर ली, उसके बाद क्या करना है कि जो भी हमने साइज यूज किए, बैचिंग किए इसमें सारे मटेरियल आगे, तो जो भी हमने बैचिंग में यूज किए तो उसमें होता है ना क्या कि हम अब कुछ तो उसमें परसेंटेज प्लस माइनस हो सकते हैं। तो जो भी साइज होते हैं ये सभी का ओनली प्लस माइनस 3% ऑफ साइज कैन वैरी, मतलब सिर्फ 3% ही, जो भी हम लोग जब कंक्रीट बनाने जाएंगे तो सिर्फ 3% ही ज्यादा या कम हम लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है, अदरवाइज आपकी कंक्रीट बेकार हो जाएगी। स्टेप टू, हमने क्या किया, पहले तो बैचिंग पूरी कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट क्या है, उसे क्या करना होगा, मिक्सिंग करोगे आप। स्टेप टू, मिक्सिंग। मिक्सिंग में होता क्या है, हम लोग क्यों करते हैं मिक्सिंग, टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म कलर ऑफ कॉन्क्रीट। जो भी हमें कलर ऑब्टेन करना होता है कॉन्क्रीट का, उसके लिए हमें मिक्सिंग करना होता है। पॉइंट नंबर टू, एज पर IS 456, ये आपको याद रखने वाली चीज है, IS 456
4, 5, 6 it says that mixing can be or must be completed in 2 minutes only. IS 456 बोलता है कि जब भी हम लोग कंक्रीट की मिक्सिंग करें तो सिर्फ 2 मिनट तक ही करना चाहिए. और नंबर थर्ड, रिवॉल्यूशन नॉट मोर देन 20 रिवॉल्यूशन से ज्यादा नहीं देना चाहिए. जब भी आप एक मशीन में डालकर कंक्रीट बना रहे हो तो उसकी जो रिवॉल्यूशन होगी 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 मिनट से ज्यादा उसकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए. अगर आप 2 मिनट से कम मिक्सिंग करोगे तब क्या होगा, इफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज लेस देन 2 मिनट. जब आप 2 मिनट से कम मिक्सिंग करोगे तो वो क्या होगा कि ना ही वो कंक्रीट पुअर मिक्स देगा, पहला पुअर मिक्स, नंबर टू नॉन वर्केबल, नंबर थ्री नाइदर स्ट्रेंथ. ना ही ये वर्केबल होगा और ना ही ये स्ट्रेंथ देगा अगर आप 2 मिनट से कम उसकी मिक्सिंग करोगे तो. अगर ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, नंबर फाइव, अगर ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, द कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाई इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर. अगर आप 2 मिनट से ज्यादा उसकी मिक्सिंग कर दोगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी में जो भी वाटर होता है वो आप ज्यादा करोगे तो टेम्परेचर ओबियसली आप बढ़ेगा, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें वाटर निकल जाएगा, वाटर लॉस होगा. वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल बी रिड्यूस, आपकी जो स्ट्रेंथ होगी जो भी कॉन्क्रीट की वो घट जाएंगी. नेक्स्ट नंबर फाइव, अगर आप मिक्सिंग सिर्फ 2 मिनट ही करोगे तब क्या होगा, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट विल बी इंक्रीज्ड एंड वर्केबल इज वेरी हाई. इसकी वर्केबिलिटी कैपेसिटी वेरी हाई. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी है, यानी कि 2 मिनट तक ही जब हम कंक्रीट को मिक्स करेंगे तो ये वर्केबिलिटी में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, वर्केबिलिटी इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा मिलेगा और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा मिलेगा. अब है कि मिक्सिंग कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं. स्टेप नंबर थर्ड है कितने तरीके से मिक्सिंग हम लोग कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग
टोटल टू टाइप्स ऑफ मिक्सिंग होते हैं। पहला तो आप हैंड से मिक्स कर लो, नंबर वन हैंड मिक्सिंग, नंबर टू मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग कब करते हैं और मशीन मिक्सिंग हम लोग कब करते हैं? एज ए सिविल इंजीनियर वी विल नेवर प्रिफर अलाउ यू दैट यू गो थ्रू हैंड मिक्सिंग। हम लोग सिविल इंजीनियर आपको कभी भी ये अलाउ नहीं करते कि आप हैंड मिक्सिंग से कंक्रीट करो, यूज करो अपने स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसमें सही से मिक्स नहीं हो पाते, उसमें वॉइड्स बहुत ज्यादा रह जाते हैं, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, जिसके कारण ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो हमें नहीं मिल पाएगा और स्ट्रेंथ उसकी लूज हो जाएगी। और हैंड मिक्सिंग में ज्यादा क्या है कि बहुत ही ज्यादा टाइम लिया जाता है उसकी मिक्सिंग करने में, बहुत ही प्रॉपर वे में मिक्सिंग नहीं हो पाती, जिससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट जाएगा और आपके स्ट्रक्चर मे बी डैमेज और कोलैप्स आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद आपके घर में घर को नुकसान हो सकता है। उसके हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मशीन मिक्सिंग ही प्रीफर करते हैं। मशीन मिक्सिंग कैसे, अगर आप कोई छोटी सी घर बना रहे हो तो भी उसके लिए मैं बोलूंगा कि जब भी आप कंक्रीटिंग करो, मास कंक्रीटिंग, अगर आप छोटे मोटे कंक्रीट करो तो आप हैंड मिक्स कर सकते हो, हैंड मिक्सिंग। बट इफ यू आर गोइंग टू बी कास्टिंग अ स्लैब और योर छत, तो आप हमेशा यूज करो मशीन मिक्सिंग ही यूज करो। मशीन मिक्सिंग यूज करने से सारे जो होते हैं, जो भी मैंने आपको भी पॉइंट्स लिखा है 5 पॉइंट्स मिक्सिंग की, वो सारे फुलफिल हो जाएंगे और आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगा और आपकी जो भी स्ट्रक्चर होगी वो एक लंबे लाइफ और स्पैन तय करेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद स्टेप 4 कि आप पहले क्या किए कि कंक्रीट आप बना लिए। अब कंक्रीट बनाने के बाद क्या करना है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। स्टेप 4 है जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इसके भी जीरो टाइप होते हैं। पहला कि आप मैन से करवाओ, वर्क पावर, मैन पावर से आप करवा लो, आपके लेबर होंगे बाय हैंड से वो लेकर जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपको मशीन से लेकर जाओ, पीजोमीटर से लेकर जाओ, और भी ढेर सारे होते हैं, क्रेन से लेकर जाओ। आप किसी भी तरीके से अपने कंक्रीट को आप ट्रांसपोर्ट करवाओ अपने जहाँ पे आपको कंक्रीट डालना है। बट उससे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि क्या हम पूरे दिन का कंक्रीट एक दिन में ही बना लेते हैं, क्योंकि कास्टिंग हमें करनी है पूरा होल डे आस्क, और क्या करेंगे हम कि पूरे दिन की कंक्रीट एक बार में ही बना लेंगे, उसका धीरे धीरे करके जाता जाएगा और मेरी कास्टिंग होती जाएगी। बट वैसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कास्टिंग करने से पहले जो भी कंक्रीट हम लोग बनाते हैं विद इन 30 मिनट्स के अंदर में ही, पॉइंट पहला हो गया, 30 मिनट्स के अंदर में ही हमें ट्रांसपोर्ट कर देना होता है, जहां भी आप कास्टिंग कर रहे हो वहां तक। 30 मिनट से ज्यादा हम कंक्रीट को हमें रखना नहीं चाहिए, अगर आप उसे रख लोगे तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है कंक्रीट की, IST, मैंने बोला था इनिशियल सेटिंग टाइम, ये गेन कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो भी कंक्रीट होगा वहीं पे जिस जगह पे हम कंक्रीट बना के रखेंगे वो वहीं पे ही स्ट्रेंथ फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। फिर जब क्या होगा कि आप फिर उठा के जब वहां पे ले जाओगे अपने साइट पे, तो फिर वो मेरी वर्केबल नहीं होगा, उसके बहुत सारे लॉस हो चुके होंगे। ये होगी मेरी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का नंबर 5 होता है प्लेसिंग, प्लेसिंग मतलब आप जैसे ट्रांसपोर्ट ले करके ले गए, अब क्या करोगे आप कंक्रीट को आपको जहां भी डालना है, अपने जिस स्लैब कर रहे हो, कॉलम कर रहे हो, कुछ बोर्डिंग कर रहे हो, जहां पे डालना है वहां पे जाके प्लेस कर दो, प्लेस द कंक्रीट, प्लेस द कंक्रीट इनटू योर कंस्ट्रक्शन साइट, साइट में भी मे बी फुटिंग, कॉलम, स्लैब, कुछ भी हो सकता है। नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी 6, नंबर 6 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पैक्टिंग।
कॉम्पैक्टिंग पहले क्यों करते हैं आप ये जान लो। जब भी हम लोग कॉन्क्रीट बनाए उसमें कुछ क्या होता है कि इंटरप्टेड एयर वॉइड्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट उसमें कुछ एयर वॉइड्स आ ही जाते हैं। अब उसे हमें क्या होगा अगर हम वैसे ही छोड़ देंगे, अगर अगर सिर्फ 5 to 10% ओनली 5 to 10% अगर एयर वॉइड्स ओनली 5 to 10% इफ एयर वॉइड्स इंटरप्टेड इन कॉन्क्रीट द स्ट्रक्चर वीकनेस इज 30 to 60%। सोच सकते हो अगर सिर्फ 5 to 10% अगर एयर वॉइड्स अगर इंटरप्टेड रह जाते हैं उस कॉन्क्रीट में, तो स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना वीक हो जाएगा, 30 to 60%। सोच लो ये कितनी ज्यादा बहुत ही खतरनाक है। ये हमें कॉम्पैक्टिंग हमेशा ही करना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि कॉम्पैक्टिंग करूंगा। ये जो कॉम्पैक्टिंग मैंने इसी टर्म के लिए इसे हटाने के लिए किया कि जब भी अगर ये वीकनेस हमें हटाना हो हमें क्या करना होगा, कॉम्पैक्टिंग करना होगा। और कॉम्पैक्टिंग कितने तरीके की होती है। पहला, अगर आप फर्स्ट बाय हैंड, कहने का मतलब हो गया जब भी आप कॉलम की कास्टिंग कर रहे हो, तो आप एक रॉड ले लो हाथ में, जो भी लेबर होंगे मिस्त्री होंगे मैन पावर जो भी होगा वहां पे उसे एक हैंड ले लो और उसे ये कुछ इस तरीके से ठोकता जाओ, थोड़ा हैमरिंग करता जाओ, उससे भी मेरे एयर वॉइड्स निकल जाते हैं। टू वाइब्रेटर, भाई वाइब्रेटर भी हमें ये हम हटा सकते हैं, जो भी इसकी एयर वॉइड्स है तो उसे वाइब्रेटर हम लोग हटा सकते हैं। अगर हम ये वाइब्रेटर यूज नहीं करें, ये नहीं करें, इसके बाद क्या हो जाता है, ये फॉर्मेशन होता है, बोलते हैं हनीकॉम्ब फॉर्मेशन, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। जिसके कारण इस हनीकॉम्ब के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मैं साइट पे आपको दिखाया हुआ कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म हो जाता है, कैसे फॉर्म होता है। आप मेरे वीडियो में जाओगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। ये हनीकॉम्ब भी फॉर्म हो जाता है अगर आप कॉम्पैक्टिंग अच्छे से नहीं करोगे कॉन्क्रीट में तो। और इसके बाद फिर कॉम्पैक्टिंग हो गया यानी कि आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब क्या है कि 24 घंटे बाद आप जब भी उसकी मेंबर्स खोल दोगे आप क्यूरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर करें, अगर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।